जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों मैं बताने वाला हूँ वीडियो में जो लोग ई श्रम कार्ड बनवाए हैं कैसे वो लोग चेक कर सकते हैं कि मेरे ई श्रम कार्ड का पैसा आया है कि नहीं आया है। दोस्तों आपको एक मिस कॉल से चेक कर लेना है कि मेरे ई श्रम कार्ड का पैसा आया है कि नहीं आया है। दोस्तों अपने ई श्रम कार्ड में किसी भी बैंक ऐड किए हैं तो आप कैसे एक मिस कॉल से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं लूंगा तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कैसे आपको चेक करना है। दोस्तों आपको एक मिस कॉल से चेक कर लेना है कि मेरे ई श्रम कार्ड का पैसा आया है कि नहीं आया है तो आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं, नीचे चलते हैं। उसके बाद ये देखिए कुछ इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा तो मैं आपको पढ़ करके बता दे रहा हूँ। ये देखिए दिया है, ई श्रम कार्ड का पैसा चेक करने के लिए आप मिस्ड कॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो। दोस्तों आपका खाता किसी भी बैंक में है, यदि आपने ई श्रम कार्ड में लगाया है अपना अकाउंट तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद दिया है, सभी बैंकों का टोल फ्री नंबर होता है जिस पर आप अपने नंबर पर मिस्ड कॉल लगाकर पता कर सकते हैं खाते में पैसा भेज दिया गया है। अगर नहीं भेजा गया है तो यहां से आप सभी बैंकों के पैसे की जांच कर सकते हैं चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो। यहां मैं आपको कुछ बैंकों के टोल फ्री नंबर दे रहा हूं, इन नंबरों पर कॉल करके आप अपने मिनी स्टेटमेंट के साथ बैलेंस चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप अपना मिनी स्टेट भी चेक कर सकते हैं कि मेरे खाते में कितना है कितना नहीं है। उसके बाद एक मिस कॉल से अपना बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे दे रहा है देखिए, और कस्टमर केयर नंबर भी दिया है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप अपने कस्टमर केयर नंबर से बात करके जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आता हूँ, देखते हैं कौन कौन सा बैंक है। ये देखिए दोस्तों बहुत सारा बैंक इसमें दिया हुआ है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक बैलेंस चेक नंबर इतना दिया है, उसके बाद मिनी स्टेटमेंट चेक इतना नंबर दिया है, कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा, आपको उसी नंबर से मिस कॉल करना है जो नंबर आपके बैंक में लिंक है, जो मोबाइल नंबर आपके बैंक में लिंक है उसी नंबर से आपको कॉल करना है तभी आपका बैंक बैलेंस चेक हो पाएगा। उसके बाद ये देखिए दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद इसमें भी दिया है बैंक बैलेंस चेक मिनी स्टेटमेंट कस्टमर केयर नंबर सब कुछ दिया है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये देखिए HDFC बैंक का दिया है बैंक बैलेंस मिनी स्टेटमेंट कस्टमर केयर नंबर, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया भी दिया है बैंक बैलेंस चेक मिनी स्टेटमेंट SMS, उसके बाद कस्टमर केयर नंबर, उसके बाद दीना बैंक इसमें भी दिया है बैंक बैलेंस चेक मिनी स्टेटमेंट कस्टमर केयर नंबर, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक दिया है बैंक बैलेंस मिनी स्टेटमेंट कस्टमर केयर नंबर दिया है, कैनरा बैंक दिया है बैंक बैलेंस चेक मिनी स्टेटमेंट SMS कस्टमर केयर नंबर, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक दिया है बैंक बैलेंस चेक मिनी स्टेटमेंट कस्टमर केयर नंबर सब कुछ दिया है तो आप लोग अपना कॉल कर लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए यूनियन बैंक का दिया है सब कुछ मिनी बैंक बैलेंस चेक मिनी स्टेटमेंट। दोस्तों यदि आपको मिनी स्टेटमेंट चेक करना नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कैसे मिनी स्टेटमेंट चेक किया जाता है। उसके बाद ये देखिए दिया है विजय बैंक, इसमें भी दिया है सब कुछ, उसके बाद यस बैंक इसमें भी दिया है बैंक बैलेंस चेक मिनी स्टेटमेंट कस्टमर केयर नंबर, उसके बाद अलाहाबाद बैंक दिया है बैंक बैलेंस चेक मिनी स्टेटमेंट चेक कस्टमर केयर नंबर चेक, सिंडिकेट बैंक दिया है बैंक बैलेंस चेक मिनी स्टेटमेंट चेक कस्टमर केयर नंबर चेक, सेंट्रल बैंक दिया है बैंक बैलेंस चेक मिनी स्टेटमेंट चेक कस्टमर केयर नंबर चेक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दिया है बैंक बैलेंस चेक मिनी स्टेटमेंट चेक कस्टमर केयर नंबर, उसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक भी दिया है बैंक बैलेंस चेक मिनी स्टेटमेंट इतना नंबर सब कुछ दिया हुआ है कस्टमर केयर नंबर। इसमें बहुत सारे बैंकों का मिल जाएगा, केवल दोस्तों इसमें बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का नहीं है क्योंकि दोस्तों अभी ये हाल ही में कन्वर्ट हुआ है पूर्वांचल ग्रामीण बैंक से बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक अभी हुआ है, इसकी वजह से इसमें नहीं है तो मैं अलग से आपको दिखा दूंगा इसमें। तो सीधा मैं चलता हूँ दिखाता हूँ बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का कौन सा नंबर है। ये देखिए दोस्तों दिया है बड़ौदा यूपी बैंक का, इसमें भी सब कुछ दिया है अभी हाल ही में मैंने निकाला है तो आपको यहाँ से नोट कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम आती है आपको कॉल कर लेना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ नीचे दे रहा है मिस्ड कॉल करें, दोस्तों इस नंबर से आप मिस्ड कॉल करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस शो कर देगा। उसके बाद इसमें IFSC कोड भी दिया है, ये देख लीजिए नीचे दिया है IFSC कोड इसका है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, अभी जो हाल ही में हुआ है तो सब कुछ अपडेट हुआ है तो मैंने उसी का निकाला है तो आपको कॉल कर लेना है जो भी प्रॉब्लम आती है। देखिए दिया है टोल फ्री नंबर भी दिया है बैंक कर्मियों हेतु टोल फ्री नंबर भी यहाँ भी दिया है,
उसके बाद यहाँ समय भी ऊपर दिया है, 10 बजे से शाम 5 बजे के अंदर लगाएंगे तो आपका कॉल लग सकता है। इसमें दोस्तों डेबिट कार्ड से संबंधित दिया है तो आपको ये नंबर नोट कर लेना है। यदि मान के चलिए आपका ATM कार्ड कहीं भी गुम हो जाता है या गायब हो जाता है तो आप कैसे अपना ATM ब्लॉक करवा सकते हैं, इसका नंबर भी दिया है तो आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिएगा जो भी है। उसके बाद मिस्ड कॉल नंबर दिया है तो आप मिस्ड कॉल करके अपना जो है बैलेंस जान सकते हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको कहीं भी कुछ ना समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।